गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था। क्यूब में पढ़ा था हमने कि क्यूब में कितनी वर्टिस होती है, कितनी एजेस होती है, कितनी फेसेस होते हैं। तो एक बार हम वापस रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूब के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने क्या क्या होते हैं, 8 वर्टेक्स, 12 एजेस और 6 फेसेस होते हैं। हमने गिने भी थे वर्टेक्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वर्टेक्स थे और एज भी हमने गिनी थी ऐसे ही। कितनी एजेस थी, 12 एजेस थी। कितनी एजेस थी, 12 एजेस थी। हमने ये भी देखा था कि क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये मैंने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिए, दो फिगर हमने देखे, क्यूबॉइड और क्यूब हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है हमारे पास, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आप। ये सारे ऑब्जेक्ट्स के शेप के, स्फेयर शेप के। जैसे यहाँ पे क्या है, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, मार्बल्स है, वूलन बॉल है, ऑरेंज है, ग्लोब है, वाटरमेलन है। ये सब किस शेप के हैं, स्फेयर शेप के। ये सब क्या है, स्फेयर शेप है। जो हम जो भी हम गोला देखते हैं वो सब क्या होते हैं, स्फेयर शेप के होते हैं, ठीक है। तो इस स्फेयर शेप के देखो क्या क्या होता है। अब हमने जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ा था कि वर्टेक्स होते हैं, एज होती है, फेसेस होती है। तो अब स्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती है ये देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, स्फेयर में क्या होता है, एक फेस होता है। कितने फेस होते हैं, एक फेस होता है। क्यूबॉइड में कितने होते थे, 6 होते थे, पर स्फेयर में कितने, एक फेस होता है। स्फेयर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, ना कोई एज होती है। क्या बोला इसमें कि स्फेयर में कोई भी वर्टेक्स नहीं होता और ना कोई एज होती है। मतलब मैंने वर्टेक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी, क्या होता है, कोने। अब देखो ये गोला है, अब इसमें कोना कहाँ पर होगा, इसमें कोना तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, वर्टेक्स नहीं होते और ना इसमें लाइनें खींची हुई है। गोला तो अपन प्रकार से बनाते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इसमें ना वर्टेक्स होते हैं और ना एज होती है। स्फेयर हैज अ कर्व्ड सरफेस। यहाँ क्या बोला है, स्फेयर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया है, क्यूब देख लिया है, क्यूबॉइड देख लिया है, और हमने क्या पढ़ लिया है, अब एक स्फेयर भी पढ़ लिया है। स्फेयर भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक करिएगा, हम आगे की क्लास में इसके आगे के फिगर्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।